छत्तीसगढ़ में आज पीएम मोदी का दौरा था और भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर जो भीड़ थी उसका अंदाज़ा आप देखिए कि अभी भी लोग लगातार बाहर निकल ही रहे हैं और बाहर निकलने के साथ लोगों की जो भीड़ है वो केवल पीएम मोदी को देखने के लिए आए थे। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे कि कहाँ से आप लोग आए थे। आप लोगों ने पीएम मोदी को सुना क्या? जी, क्या लगता है आपको पीएम मोदी ने क्या कहा और उसका कितना असर? इसका असर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है और भाजपा की एक तरफा सरकार आने वाली। क्या कहा मोदी ने? मोदी जी ने कहा सभी विषयों में कहा, जैसे कि मुख्य शराब घोटाला और जो धान के रेट के एमएसपी रेट को झूठे तरीके से बताया जा रहा है जी। किसानों को छला जा रहा है उसके बारे में भी कहा। आपने सुना मोदी जी? बिल्कुल सुना। क्या लगता है कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़ बसना से हूँ। ये मोदी जी का असर बसना और ग्रामीण अंचलों में होगा क्या? उन्होंने जो कहा है उनकी योजनाएं पहुँच रही है? बिल्कुल 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 होगा। ये जो धान का जो रेट दे रहे हैं वो एमएसपी केंद्र से बढ़ के आता है, इसका श्रेय भूपेश बघेल ले रहे हैं जो कि गलत है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय में उन्होंने एक हुंकार भी किया है कि बदलवो छत्तीसगढ़, बदलवो का नारा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, बदलेंगे छत्तीसगढ़ को। बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। विधानसभा या दोनों? दोनों, लोकसभा विधानसभा दोनों। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी यहाँ पर बात करें। कहाँ से आए हो दादा आप? ये मैं चैतुरगढ़ बगदरा पाली मंडल से। सुने बीजेपी की बात? सुने जी जी जी। मोदी को सुने? जी जी। क्या कहा मोदी ने? इस बार हमको मोदी जी बोले हैं कि पंजा जो है पंजा मार दिया है छत्तीसगढ़ के जनता को, ऐसा करके हम लोग को बताया गया। और धान खरीदी की बात करते हैं पंजा वाले, जिसमें 80% हम लोग केंद्र सरकार की तरफ से देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार है गरीबों को आवास के आवास जो हितग्राही मिलता है वो आवास को उस हितग्राही को वो फायदा नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार आवास का पैसा छत्तीसगढ़ शासन को पहले से दे चुके हैं। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गरीब लोगों को जो फायदा वाली जो योजना है उनकी जानकारी दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर पंजा मारा हुआ है, क्या कांग्रेस कुछ नहीं कर रही? जी जी जी, पंजा तो मारा हुआ है भैया, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। पहले कभी और नहीं मिलता था ऐसे आवास वास देखने को, पहले तो ऐसे ही मतलब चूना से ही खींच के आवास को ख़त्म कर दिया जाता था। आज तक ना राजीव गांधी आवास क्षेत्र में पाओगे ना इंदिरा आवास जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जरूर आज सभी गाँव में देखने को मिल रहा है जी। तो ये ग्रामीण है जो कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से हूँ। आप रायपुर से ही हैं, तो क्या लग रहा है रायपुर में पीएम मोदी का असर होगा? हाँ। क्या कहा उन्होंने ऐसा जिसका असर होगा? कि कमल रंग में रंग जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को देखते हुए कांग्रेस का परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। ठीक है, बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? मैं खरोरा से आया। खरोरा से? हाँ। पीएम मोदी को सुना आपने? हाँ सुना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है पूरा भूपेश सरकार उसके केंद्र का जो पैसा आ रहा है आवंटन उसको दुरुपयोग कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के सरकार में क्या है, 36 घोषणा किए थे भूपेश जी, उसमें आज भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म का पवित्र गंगा जल लेकर के कसम खाए थे कि मैं शराब 10 दिन के अंदर बंद कर दूंगा, लेकिन आज गाँव गली चौराहा में शराब बिक्री हो रहा है। ये भूपेश सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने तो हमको चावल दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन भूपेश का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि कोरोना काल में वो ऑनलाइन शराब घरों घर पहुंचाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोरोना के समय जो भी लोग थे उनको भूखा नहीं रहने दिया गया, जो बाहर से प्रदेश से लोग आए, छत्तीसगढ़ से किसी को बाहर नहीं जाना पड़ा, लेकिन जो बाहर से लोग आए उनको भी खाना दिया। कौन? भूपेश बघेल। नहीं नहीं नहीं, पूरा केंद्र का 5 किलो चावल उसको भी आज काट दिया। गरीबों का हक पूरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने छीन लिया। ठीक है, कुछ युवाओं से बात करते हैं। आप लोगों ने सुना मोदी को? सुना ना। क्या कहा उन्होंने? विकास के बारे में बात किया और भाजपा की सरकार चाहिए बोले। तो क्या भाजपा की सरकार आ जाएगी? आएगी, जरूर आएगी। क्यों आएगी, किस बात पे आएगी? तो विकास चाहिए, यहाँ कुछ काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं कुल मिलाकर आज पीएम मोदी को सुनने के लिए आए थे, प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। किसान की बात वो कर रहे हैं, रोजगार की बात वो कर रहे हैं, विकास की बात वो कर रहे हैं, कोरोना के समय यानी कि पीएम मोदी ने जो जो बातें कही है लोगों ने सुना है और उनके जहन में ये बस गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही बातें ग्रामीण अंचलों तक भी पहुँचे और हो सकता है कि कांग्रेस को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो सरकार है 72 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की बहुमत उनको मिला हुआ है और एक बड़ी सरकार यहाँ पर है। इससे जाहिर होता है कि पीएम मोदी की सभा में लोगों ने सुना तो जरूर है, लेकिन जो लोगों ने सुना है वो ग्रामीण अंचलों तक, उन क्षेत्रों तक और उन मतदाताओं तक कितनी बात कब तक पहुंच पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसमें 4.5 साल बाद पीएम मोदी के दौरे का कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।